नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आज पानीपत के नागरिक हॉस्पिटल में यह जो आप मशीन देख पा रहे हैं, हर व्यक्ति अब सैनिटाइज होकर के हॉस्पिटल में एंटर करेगा। ये किस तरह की मशीन है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ डिप्टी CMO सुधीर बत्रा जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर, ये किस तरह की मशीन है और किसके प्रयोग में लाई जाएगी? ये जो भी पेशेंट्स आएंगे हॉस्पिटल्स में एंटर करेंगे, उसको सैनिटाइज किया जाएगा एक तरह से। जैसे हम घर के अंदर वो जो कर सब जगह कर रहे हैं, हॉस्पिटल को कर रहे हैं, इसमें पेशेंट ही सैनिटाइज हो जाएगा। और हाथ वगैरह यूजली उसको अवॉइड करेंगे, ऊपर रख के आए, ताकि उसके हाथ वगैरह भी सैनिटाइज। जो पेशेंट डॉक्टर उसके पास जाएगा, अगर पेशेंट इन्फेक्टिव है या कुछ है, तो वो स्प्रेड नहीं करेगा। तो सभी लोग इससे बच सकते हैं, संक्रमण से बच सकते हैं। जो भी हॉस्पिटल में आएगा वो खुद भी बचेगा और आगे वो स्प्रेड उसको भी नहीं फैलाएगा भी नहीं। उसके लिए ये मशीन का यूज़ किया जा रहा है। तो ये मशीन कहाँ से मंगाई गई है और इस पर किस पर्पज के लिए? ये हमें डेमो के लिए मंगाई है। सोमवार तक इसका देखेंगे ट्रायल करके, और अगर हमें ठीक लगती है तो हम इसको ले लेंगे, नहीं तो कोई और कंपनी के भी देखेंगे। अगर अच्छी से अच्छी मिली है और मिली तो वो लेंगे। क्या यूटिलाइज कैसे होगी है, किस तरह से इसमें यूज किया जाएगा, सैनिटाइज कैसे? ये जो इसको टैंकी को पानी से भरा जाएगा, उसमें जो हम सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन होता है वो उसमें मिक्स कर दिया जाएगा, और ये ऊपर चलता रहेगा। शावर चलते हैं ना, ऐसे वो ऊपर घूमते रहेंगे और अंदर पानी स्प्रे होता रहेगा। स्प्रेयर बोलते हैं उसको, जो स्प्रे करते रहते हैं। तो एक घंटे में जो खपत है, जो दवाई लगती है, उसके बारे में किस तरह की जानकारी? कैलकुलेशन कर रहे थे, टोटल 80 लीटर्स लगनी है इसमें, जो पानी लगना है। हमारी दवाई की रेशो होती है 1:4, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करके 500 लीटर वाली टैंकी में लगभग 100 लीटर दवाई हम डालेंगे। ये लगाई यहीं पे जाएगी या किसी गेट पे अन्य अमरजेंसी? नहीं, गेट पे ही लगाई जाएगी। जो भी पास होएगा इसके थ्रू जाएगा, चाहे वो अमरजेंसी में जाएगा, चाहे वो OPD में जाएगा, चाहे वो जो डॉक्टर भी जाएंगे, जो स्टाफ भी जाएगा, इसके थ्रू होकर निकल के जाएगा। तो उस जगह निर्धारित यहीं की गई है या अभी तक? तो यही निर्धारित की गई है, यहीं से निकाल के जाएगा जो भी जाएगा। हॉस्पिटल के एंट्रेंस इसी के थ्रू होगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है डिप्टी CMO सुधीर बत्रा जी थे, उन्होंने बताया कि निरंतर अब प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति सीधा ना जाए और उसको सैनिटाइज करने के बाद ही उसको यहाँ हॉस्पिटल में एंटर करने दिया जाए। जिसको लेकर यहाँ एक मशीन है, ये डेमो के तौर पे फिलहाल यहाँ पर मंगाई गई है। उनका कहना है कि जल्द ही यदि इस तरह की अच्छी यहाँ पर चीज़ देखने को मिलेगी तो ये कहीं ना कहीं इसको लेकर के हम बताएंगे। बहरहाल जो ऊपर जो यहाँ इसके ऊपर जो उपकरण लगाए गए हैं, यहाँ से जो फुहारे के चलते लोग सैनिटाइज होकर के निरंतर यहाँ से जाएंगे, टंकी से निरंतर पानी यहाँ आएगा जिसको लेकर सैनिटाइज होकर के, ताकि डॉक्टर के पास पहुँचे, किसी प्रकार का संक्रमण न उसके अंदर से और कहीं फैले, ना डॉक्टरों के पास जाए। इस तरह का जो प्रयास है यहाँ सिविल हॉस्पिटल में किया जा रहा है। हम आपको बात भी कराएंगे जिस द्वारा यह मशीन बनाई गई है और इसका क्या कॉस्ट है, तमाम लोगों को हम जानकारी देने वाले हैं। बहरहाल जो डॉक्टर द्वारा एक जो जानकारी दी गई, एक सुगद खबर है, जो लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं उनको सैनिटाइज के लिए यहाँ पर एक मशीन जो है यहाँ पर लगाई गई है। फिलहाल डेमो के तौर पर है, इसको निरंतर प्रयोग में यहाँ पर लाया जाएगा। हमारे साथ जो है एक जो जिन्होंने मशीन बनाई है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। कौन सी मशीन है, कैसे बनाई सर, इसको लेकर के यहाँ कैसे डेमो के तौर पर लेके आए हैं, इसको दे रहे हैं? ऐसा है कि मैंने आज से 4-5 दिन पहले एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, तो वो वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि ऐसी टनल की ज़रूरत हमारे पानीपत शहर को भी है। तो उसके बाद हमने इसको अपनी वर्कशॉप पे, छोटी सी हमारी वर्कशॉप है, वहीं पे हमारे लेबर के आदमी रहते हैं, दो आदमी हमारे वहीं पे रहते हैं, उन दोनों को साथ लेके तीसरा मैंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमने इसको बनाया। इसको बनाने में हमारे 3 दिन लग गए, तो हम लोग इसको कल यहाँ पे लेके आए थे। ये हमने फोल्डेबल बनाया था और इसको यहाँ पे लाके असेंबल कर दिया। असेंबल करने के बाद इसको अब आज इसका डेमो दे दिया है हमने। डेमो देने के बाद डॉक्टर्स ने इसको अप्रूव कर दिया है। डॉक्टर सुधीर बत्रा और डॉक्टर अमित ने इसको देखा है, उनको अच्छा लगा है इसमें, तो ये आज शाम तक इसमें प्रॉपर हर आदमी के लिए इसको चालू करने की उम्मीद है। या फिर शाम को मे भी ना करें, क्योंकि OPD शाम को बंद रहती है और ये OPD का मेन गेट है, तो हो सकता है कि ये कल सुबह से चालू किया जाए। तो इसमें इससे पहले भी और कहीं इसका डेमो दिया गया था या ऐसे बनाया? नहीं, ये मैंने पहली बार बनाया है। पहली बार? हाँ जी। तो इसको लेकर आप जो यहाँ पर दिया गया, इसमें कॉस्ट कितनी आई है? इसकी कॉस्ट का एक्चुअल आइडिया मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान ऐसा था जो कि हमारी वर्कशॉप में रखा हुआ था और
बाकी जो सामान इसमें लगाया गया है वो आप समझिए कि मैंने परचेज़ कुछ नहीं किया है अभी तक, कुछ मेरी अपने स्टॉक में था और कुछ सामान जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मतलब बिजनेस फ्रेंड हैं, उनके घर से मैंने अरेंज किया है। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं आएगी। ये लेकर यहाँ सिविल हॉस्पिटल को आपने दिया है या इससे जो है सिविल हॉस्पिटल से इससे रकम ली जाएगी जैसा आप प्रयास कर? अभी तक तो ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं है कि हम इसमें कुछ कमाएंगे या हम मतलब किसी फाइनेंशियल ग्रीड में आकर के हमने इसको बनाया। नहीं, हमने किसी फाइनेंशियल ग्रीड को देखते हुए इसको नहीं बनाया। हमने तो सिर्फ इसलिए बनाया है कि हमारे देश में ये जो आजकल कोरोना का संकट चल रहा है ये ज़्यादा ना फैले। हमारी सरकार, हमारा देश, हमारे देश के लोग, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस वाले, पूरा देश ही इस लड़ाई को लड़ने के लिए जब एकजुट खड़ा है, तो मैं एक छोटा सा सिपाही बनने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि मैं भी इस जंग में अपना कुछ योगदान दे पाऊँ। अच्छा प्रयास है, लेकिन इसकी उपकरणों की बात की जाए, इसके अंदर कितने जो है फुहारे लगाए गए जिससे जो लोग यहाँ से गुजरेंगे तो वो सैनिटाइज हो जाएंगे पूर्णतः? हमने इसमें 10 फुहारे लगाए हैं। मैं आपको इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि इन 10 फुहारों से आदमी पूरी तरह से सैनिटाइज होगा या 90% होगा या 50% होगा, मैं इसको नहीं क्लियर कर सकता हूं क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियर नहीं हूं और ना ही मैं मेडिकल के पेशे से हूं। मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के काम करता हूं, मुझे उसकी नॉलेज है। अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, ये लोग एक गंदा कपड़ा इसमें नीचे रखेंगे, एक आदमी को क्रॉस होने में जितनी देर लगती है उतनी देर उस पर स्प्रे करके देखेंगे, फिर उस कपड़े को टेस्ट किया जाएगा कि ये प्रॉपर सैनिटाइज हुआ या नहीं हुआ। इसमें जो फवारे हमने लगाए हैं वो 10 लगाए हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत होगी तो बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाने की ज़रूरत हो तो घटाए भी जा सकते हैं। तो जैसे कि 10 फवारे लगाए गए, इसमें आपको एक घंटे में कितना पानी है जो लगता है और किस तरह से इसमें सैनिटाइज के लिए कौन सी जो केमिकल्स हैं उनको यहाँ पर प्रयोग में लाया जाए? केमिकल्स के लिए तो अभी तक जो मैंने इनको रिकमेंड किया है, जितनी मुझे नॉलेज थी उसमें जो मैंने रिकमेंड किया, एक हमने रिकमेंड किया सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट को हम लोग जैसे जो हमारे घर में वाटर सप्लाई आती है, पानी आता है, उसके अंदर मिक्स करते हैं 1 से 2 PPM, उसमें मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइट के ये इसको क्लियर कर देगा, डिसइंफेक्टेंट कर देगा। और एक लाइजोल करके आता है केमिकल, जो कि डॉक्टर साहब की टीम ने ही मुझे बताया कि गवर्नमेंट की कोई इसमें पॉलिसी भी आई है कि लाइजोल लगाया जाए, लाइजोल से हो। तो अब ये तो अप टू डॉक्टर्स डिपेंड करता है कि वो क्या इसमें यूज़ करना चाहेंगे। बिल्कुल, हम प्रयास भी करेंगे अंदर जा कर के सर एक बार बताएंगे किस तरह से कहाँ कहाँ पर फुहारे लगाए गए हैं और कैसे यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ आप एक बार दर्शकों को पता चले और लोगों को भी एक अवेयरनेस आए उसको लेकर के आप बता सकते हैं। अभी ये जैसे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पे हमने 4 फवारे लगाए हैं, ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे इसमें बिल्कुल एकदम फोग क्रिएट कर देगा। उससे क्या है कि मेरी पूरी बॉडी और मेरे कपड़ों पे फोग आ जाएगा। और थोड़ा आगे जाने के बाद इसमें हम देखते हैं, मैंने नीचे 2 फवारे लगाए हैं, क्या है कि इसमें से जो गिरेगा मेरे चलने की स्पीड के हिसाब से मेरी बेल्ट के नीचे वाले लेवल तक ये नहीं आ पाए। तो ये हमने नीचे भी 2 शावर लगाए हैं, 2 फोगर लगाए हैं, इससे क्या है कि यहाँ पे भी फोग रहेगी और मेरी पेंट का हिस्सा, मेरी बेल्ट के नीचे का हिस्सा भी वो भी सैनिटाइज हो जाएगा जी। और इसके बाद एक 4 शावर हमने और लगाए हैं दोबारा से फिर हाँ, ताकि जो चीज़ रह जाती है गई है वो पूरी हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ 2 फुहारे और नीचे 2 जो हैं यहाँ पर स्प्रे लगाए गए हैं। हाँ जी, टोटल ये 10 हैं। ऊपर वाला सेट 4 का है, 4-4 के 2 सेट हो गए, एक आगे एक पीछे और 2 बीच में है। तो 4-4, 2 और 10, ये 10 फुहारे लगाए गए हैं। इसमें अभी जो है जांच करने के बाद पता चलेगा कि इसमें ज़्यादा और बढ़ाए जाएंगे या कम किए जाएंगे। जितना कि हमने अभी जाँच की है और डॉक्टर साहब ने जितना कि आप विजिबल जांच कह सकते हो कि जो कि हमारे देखने में आते हैं उसके हिसाब से ये सफिशिएंट दिखाई दे रहा है। और डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि हमें कपड़े को डिसइंफेक्टेंट करके देखेंगे, उसमें पता लगेगा कि कुछ और ज़रूरत है इसमें इम्प्रूवमेंट की या नहीं है। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। अभी इसमें हमें एक चीज़ और लगाने जा रहे हैं, हम इसमें सेंसर लगाने जा रहे हैं कि अभी जैसे कोई अंदर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा और जैसे ही वो आदमी बाहर निकल जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ताकि केमिकल का भी वेस्टेज ना केमिकल की वेस्टेज ना हो और
मोस्टली सबसे पहला तो यही है कि केमिकल वेस्ट नहीं होगा, सबसे पहली बात तो यही है कि केमिकल वेस्ट नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जानकारी दी और लोगों के लिए, ताकि ये एक अच्छी पहल है जिसमें लोग संक्रमित होने से बच सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर टेस्ट कराने के लिए आते हैं तो यहाँ डॉक्टरों और जनों को भी यहाँ कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा इस बात को। ये हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा कुछ कर सके, तो इस जंग में अगर हम एक छोटे से सिपाही बन जाते हैं तो अपने आप को भाग्यवान समझेंगे। सिटी तहलका के साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत जी, आपने अच्छी जानकारी दी और अच्छा प्रयास जो आपका, आप निरंतर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है 10 फुहारे लगाए गए हैं और यहाँ गुरमीत जी ने बताया कि निरंतर हमारे द्वारा एक प्रयास किया गया था और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें यह जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से पता चला और उसको बनाने का यहाँ प्रयास किया गया, जो कि एक सार्थक यहाँ साबित होता नज़र आ रहा है, जिसके चलते निरंतर यहाँ हर व्यक्ति जो बाहर से आएगा उसकी संक्रमण यहाँ पर जो है कम हो जाएंगे, जिसको लेकर के डॉक्टर और इलाज के दौरान भी बेहतर जो है सुविधाएं यहाँ प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। और यहाँ जो है डिप्टी CMO द्वारा भी जानकारी दी गई थी और इस प्रयास से साथ आप बता दें कि निरंतर इसके अंदर 10 फुहारे यहाँ पर लगाए गए और अच्छा प्रयोग यहाँ नागरिक हॉस्पिटल में होने जा रहा है, जिसको लेकर हर व्यक्ति इसका लाभ उठा पाएगा और इस संकट की घड़ी में जहाँ वैश्विक महामारी के चलते संक्रमण होने का खतरा बना रहता है, इससे कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाएगा और लोगों में भी जागरूकता आएगी। साथ के साथ लगातार सिटी तहलका के साथ ऐसे बने रहे। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।